हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फीवर ट्रैवल। फीवर ट्रैवल चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, गर्मी बहुत 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 बढ़ गया है ना, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि आप गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान हो, क्योंकि भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, ऐसे जगह है जहाँ पे 44-45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है, और वहां पे लोग ये प्लानिंग कर रहे हैं कि भैया मुझे इस गर्मी से छुटकारा मिले और मैं जाऊं घूमने के लिए। तो अगर आप भी प्लान बना रहे हो कहीं घूमने का, तो आपने तो ये सोच ही लिया होगा कि आपको कहाँ घूमने जाना है, लेकिन आप घूमने जा रहे हो और आपको क्या क्या रखना है ये आपने सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। सो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहला सामान जो आपके बैग में होना चाहिए वो है चश्मा। जी हाँ, जिसे आप गॉगल्स भी कहते हो। वैसे तो गॉगल्स काफी स्टाइलिश लुक देता है और हम स्टाइल के लिए, यानी कि अपने आप को फैशनेबल बनाने के लिए गॉगल्स पहनते हैं, लेकिन गर्मियों के टाइम पे अगर आप गॉगल्स पहन के चलते हो तो ना ही सिर्फ आपको ये स्टाइलिश लुक देता है बल्कि ये आपकी आंखों को भी प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए सबसे पहला चीज जो आपके बैग में होना चाहिए वो है आपका गॉगल्स। दूसरी चीज जो आपके बैग में जरूर होनी चाहिए वो है सनस्क्रीन। जी हाँ, बिना सनस्क्रीन के आप धूप में नहीं जा सकते हो, क्योंकि आजकल का वेदर ऐसा है और आजकल की धूप ऐसी है कि आपके स्किन को जला सकती है। सो जितना भी बॉडी पार्ट आपका दिख रहा है, चाहे आप स्लीवलेस पहने हो, सो आपका पूरा हाथ अगर दिख रहा है, आपका पूरा फेस दिख रहा है, तो उन जगहों पे आप सनस्क्रीन जरूर अप्लाई करें। लेकिन हाँ, पहले अपने फेस में मॉइस्चराइजर लगाइए, या फिर आप सीरम यूज करते हो, सीरम लगाइए, मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके बाद आप सनस्क्रीन यूज कीजिए, क्योंकि ये आपके स्किन को जलने से बचाएगा। आपका स्किन बहुत तेजी से खराब हो सकता है अगर आप बिना सनस्क्रीन के घर से बाहर निकलते हैं। सो दूसरी चीज और काफी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सनस्क्रीन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके बैग में होनी चाहिए वो है वाइब्स, या फिर आप कह सकते हो वेट टिश्यू। जी हाँ, ये तो आप अपने जो आप बैग कैरी कर रहे हो उसी में आप रखिए, क्योंकि बिना वेट टिश्यू के आप नहीं चल सकते हो। सपोज आपको पसीने आ रहे हैं और आप परेशान हो चुके हो, आप उसी हैंगी का यूज करोगे जिसे आप पहले यूज कर चुके हो, सो इन्फेक्शन भी आपको देता है। अगर आप नॉर्मल टिश्यू पेपर का यूज करते हो, सो टिश्यू पेपर से रैशेज हो सकते हैं, क्योंकि आपका वो सूखा होता है। सो उससे क्या होगा कि आप अगर स्किन पे अपने घसोगे, उसे बार बार घिसोगे, सो वो आपके स्किन पे रैशेज ले आएगा। सो बेटर है कि आप वेट टिश्यू रखिए। मार्केट में 50-60 रुपए में भी वेट टिश्यूज के पैकेट मिल जाते हैं। वेट टिश्यूज रखने से आप इजीली अपने स्किन को उस पर रब कर सकते हो, काफी सॉफ्ट रहता है वो, और आपके स्किन की सारी गंदगी वेट टिश्यू हटा देता है। सो वेट टिश्यू रखना ना भूले। इसके अलावा जो आपके पास जरूर होना चाहिए वो है टोपी या स्कार्फ। जी हाँ, अगर सपोज आप घूमने जा रहे हो, आप किसी हिल स्टेशन पे भी जा रहे हो, सो आप कोशिश ये कीजिए कि टोपी से या फिर स्कार्फ से अपने फेस को कवर कर लीजिए, सो दैट जो भी डस्ट है, जो भी धूल उड़ता है रास्ते में, वो आपके चेहरे पे कवर ना करे। और अगर आप टोपी लगाते हो तो आप डायरेक्ट सन की हीट से बच जाते हो। सो इन दोनों चीजों को भी आपको जरूर अपने पर्स में रखना चाहिए। दोस्तों, हम वेकेशन मनाने के लिए बहुत सारे कपड़े तो खरीद लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता है कि गर्मियों के लिए एग्जैक्टली कौन से कपड़े पहनने ज्यादा लाभदायक है। जी हाँ, अगर आप गर्मी में कुछ भारी भरकम कपड़े पहन के ट्रैवल करने निकल जाते हो, या फिर हिल स्टेशन पर निकलते हो कि मेरी फोटो अच्छी आएगी और मैं इस तरीके का लुक लेती हूँ, लेकिन फोटो तो अच्छी आ जाती है, उसके बाद आपके बॉडी का हाल बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर रैशेज होने लगते हैं और उसके बाद स्किन में भी प्रॉब्लम आने लगती है और आप अनकंफर्टेबल भी फील करते हो। सो इट्स बेटर, गर्मी में अगर आप घूमने जा रहे हो, सो बहुत सॉफ्ट कपड़े पहनो, और उस तरीके के कपड़े पहनो जो कि आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराए, क्योंकि गर्मी इतनी होती है कि अगर आप उसमें भारी भरकम कपड़े लाद लोगे सिर्फ फैशन के लिए, सो ये आपको अनकंफर्टेबल फील तो कराएगा ही, और साथ ही साथ आपके स्किन को, आपके बॉडी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे देगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेकिन ये जरूरी है, और वो है फेस या बॉडी मिस्ट। जी हाँ, अब आप ये पूछोगे जिनको नहीं पता है कि ये क्या है।
दोस्तों, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, आपकी मीटिंग्स भी है, कहीं आप मीटिंग्स के सिलसिले में आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो या फिर अपने ऑफिस से भी बाहर निकल रहे हो, सो आपको प्रेजेंटेबल दिखना होता है, राइट? यू हैव टू लुक प्रेजेंटेबल. सो उसके लिए आपके चेहरे पे डलनेस नहीं दिखना चाहिए. सो इसके लिए आपको क्या करना है, बस अपने पर्स में एक छोटा सा बॉडी मिस्ट या फेस मिस्ट रखिए. जैसे ही आप किसी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करने जाते हो या कोई मीटिंग्स के लिए जा रहे हो या फिर आप फोटो सेशन ही करवाने जा रहे हो, जस्ट स्प्रेड. जी हाँ, ये आप देख रहे होंगे, ये बॉडी मिस्ट है या फेस मिस्ट है. सो इस तरीके के प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो. अगर जब आप स्प्रे कर लेते हो अपने स्किन पे, सो उसके बाद आपका चेहरा फिर से खिल जाता है और सामने वाले को ये पता भी नहीं चलता है कि आप गर्मी के कारण डल हो चुके हो. सो ये थी दोस्तों जानकारी, ये सारे प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर सकते हो कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो तो. बहुत जल्दी मैं आपके साथ ट्रैवल करने भी जाने वाली हूँ और मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गर्मी में मैंने किस तरीके से अपने छुट्टियों को एंजॉय किया और किस तरीके से अपने वेकेशन को सेलिब्रेट किया. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि आप फीवर ट्रैवल चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें. जी हाँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप आने वाले इंटरेस्टिंग ब्लॉग को, मैं कह रही हूँ ब्लॉग को देखना चाहते हो तो. सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होगा, इन्फॉर्मेटिव भी होगा. सो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को जरूर शेयर कीजिए और मुझसे इसी प्लेटफॉर्म पे फिर से दोबारा मिलिए. टिल देन, टाटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट समर वेकेशन.